सपोर्ट जरूर करने की कोशिश की जा रही है सियासी दलों के द्वारा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है और इसके फैसले के विरोध में अब ये मार्च निकालते नजर आ रहे हैं, प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं तमाम राजनीतिक दलों के लोग, जिसमें समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, भीम आर्मी के लोग भी अब सड़क पर हैं। ऐसे में पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आया और पुलिस ने यहाँ पर मोर्चा भी संभाला है। साथ ही आपको बता दें सीआरपीएफ के जवान भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था संभालने के लिए तैनात किए गए। हम लोगों का आरक्षण इस समय खतरे में है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो है आरक्षण के क्रिमिलियर लागू करने के लिए जो आदेश हुआ है, लेकिन इसको हम लोग नहीं मान रहे हैं। इसीलिए हम लोग जो है मांग करते हैं भारतीय जनता पार्टी से कि जो है इसको, इस विधेयक को जो है पार्लियामेंट में ला करके और इस विधेयक को ख़त्म करके और जो है पुनः जो है पूर्ण रूप से जो है आरक्षण को लागू किया जाए। जो सुप्रीम कोर्ट महोदय द्वारा जो SC ST में और जो आरक्षण को ख़त्म किया जा रहा है उसके विरोध में आज हम लोगों ने ज्ञापन का आयोजन किया था, जो कि ज्ञापन हम लोग जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को सौंपेंगे। मांगे हमारी यही है कि जो SC ST वर्गीकरण आरक्षण में हो रहा है उसको बंद किया जाए, क्रिमिलियर बंद किया जाए, जो बैकलाग भर्तियाँ की जा रही है उसको बंद की जाए और SC ST आरक्षण को पूर्ण रूप से लागू किया जाए। उधर नोएडा में भी पुलिस हाई अलर्ट पर है। आपको बता दें ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर ने पैदल गश्त की है, मार्च किया है और भीड़भाड़ वाले इलाकों में गश्त की जा रही है। अधिकारी पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि आज जो आह्वान है उसके तहत गौतम बुद्ध नगर पुलिस के द्वारा कमिश्नरेट महोदया के नेतृत्व में पूरी तैयारी करी गई है। इसके से जितने भी पार्टी के पदाधिकारीगण कार्यकर्ता हैं उन सब के साथ जिस सक्षम स्तर से वार्ता करी गई है उनको ब्रीफ किया गया है। उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया है कि जो ज्ञापन का कार्यक्रम वो शांतिपूर्वक संपन्न होगा। इसके बावजूद भी जो असामाजिक तत्व हैं उन सब पर नज़र रखी जा रही है, विभिन्न माध्यमों से नज़र रखी जा रही है। साथ साथ जिन लोगों को प्रिवेंटिव एक्शन के तहत निरोधात्मक कार्रवाई करनी थी उनके विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई भी की गई है। आप देख रहे हैं कि सारे अधिकारी हेलमेट बॉडी पर डंडा के साथ क्षेत्र में भ्रमणशील हैं। जो ज्ञापन का कार्यक्रम वो सकुशल रूप से संपन्न करवाया जा रहा है। साथ ही साथ सारे इस तरह के लोग हैं उन सब से हमारी वार्ता हुई है, सामाजिक तत्वों पर नज़र रखी जा रही है। तो निश्चित रूप से जो ज्ञापन का कार्यक्रम है उसको सकुशल रूप से गौतम बुद्ध नगर पुलिस संपन्न करवाएगी। भारत बंद क्यों है? सुप्रीम कोर्ट ने कोटे में कोटा देने के मामले पर आपको बता दें कि इसको मंजूरी जो दी SC ST आरक्षण में कोटे में कोटा की व्यवस्था दी और सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को अधिकार दिया है। सुप्रीम कोर्ट की 7 जगह बेंच ने फैसला सुनाया है किसी एक जाति को 100% यानी 100% आरक्षण नहीं दे सकते हैं ये तय किया गया और कोटा तय होने से पहले हिस्सेदारी का पुख्ता डेटा निकाला जाए, उसका पूरा डेटा कलेक्ट किया जाए वो होना चाहिए। ये कई सारे बिंदुओं को लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर फैसला दिया, उसके बाद से विरोध शुरू हो गया। भारत बंद में आखिर किस तरह की स्थिति देखने को मिली है ये भी हम लगातार देखो बताते नजर आ रहे हैं अपने दर्शकों को, क्योंकि साफ तौर पर ये देखने को मिल रहा है कि जगह जगह शहरों में भारत बंद के आह्वान पर चाहे वो सामाजिक संगठन हो, आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति हो या फिर BSP हो, समाजवादी पार्टी हो, भीम आर्मी के लोग हो, ये तमाम लोग सड़कों पर नज़र आ रहे हैं और ये कहते हुए भी नज़र आ रहे हैं कि ये राजनीतिक षड्यंत्र है, ये सियासी षड्यंत्र है, हमारे आरक्षण को खतरा है और सत्तासीन BJP को घेरने की भी कोशिश होती नज़र आ रही है। जबकि ये पूरा जो मामला है वो सर्वोच्च न्यायालय के सामने आया है और इस फैसले के विरोध में अब सीधे तौर पर उग्र होते नजर आ रहे हैं तमाम कार्यकर्ता पार्टियों के। और चलिए रुक करेंगे, सौरभ मिश्रा हमारे सहयोगी प्रयागराज से मौजूद हैं। सौरभ, बहुत बड़ी स्थिति देखने को मिल रही है कि जो नाराजगी है लोगों की आरक्षण को लेकर वो जाहिर तौर पर है, मैं आपके पास भी आऊँगा, लेकिन इस बीच हरदोई से नसीब हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। नसीब खान, आपके पास क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि उसके बाद फिर प्रयागराज के सूरत हाल जानेंगे। राज्य के जिलों में जगह जगह लोगों ने प्रदर्शन तो किया, सभी दलों की पार्टियों के लोगों ने जो जिला जिला कार्यालय अधिकारी के कार्यालय पहुंच करके वहाँ प्रदर्शन
प्रदर्शन किया है अपनी मांग, जो मांग है उनकी वो आरक्षण को लेकर है, वो उसमें लोगों ने यही नारे लगाए हैं कि आरक्षण जो हमारे संविधान है संविधान के साथ खिलवाड़ ना किया जाए, जो सरकार है सरकार वाले जिसमें संविधान के साथ कोई खिलवाड़ ना करे यही बेहतर होगा। आरक्षण को सौरभ, आपके पास क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि क्या वाकई में जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, जो फैसला दिया है, उसको लोग वाकई में समझ भी पा रहे हैं, या फिर खतरा उन्हें ऐसे ही सता रहा है कि भाई आरक्षण खत्म हो जाएगा, जबकि मोदी की गारंटी है कि आरक्षण खत्म नहीं होगा, ये तो अधिकार दिए गए हैं, फिर इतना बवाल क्यों है? सुनील देखिए, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण वर्गीकरण के मामले में जो फैसला दिया है उससे बेसिक अगर हम बात करें, और 31 संगठनों ने जो है आज भारत बंद आह्वान किया हुआ है, लेकिन अगर हम प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज में इसका असर आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि हालांकि अभी कुछ देर पहले यहाँ पर ईडीएम को जो है बसपा के कार्यकर्ताओं ने और कई ऐसे संगठन के कार्यकर्ताओं ने अपना ज्ञापन सौंपा है, उन्होंने साफ साफ कहा है कि हमारा जो आरक्षण है वो खतरे में है। हालांकि अभी कुछ लोगों को इस बारे में समझना चाहिए कि आखिर सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला क्या है, तो कहीं ना कहीं देखिए थोड़ा सा लोगों को समझने की जरूरत है इस पर। लेकिन अगर भारत बंद आह्वान की बात करें सुनील, तो प्रयागराज में इसका बिल्कुल भी असर देखने को नहीं मिल रहा है, दुकानें पूरी तरीके से खुली हुई है, हालांकि पुलिस की जो फोर्सेज हैं वो हर चौराहे पर तैनात कर दी गई है, और पुलिस लोगों का कहना है कि कोई भी दुकानें जबरदस्ती नहीं बंद कराई जाएंगी। तो जिस तरह से जो आप लोग धरना कर रहे हैं उसी तरह से आप लोग धरना अपना करते रहिए, लेकिन भारत बंद आह्वान का असर कोई भी प्रयागराज में देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि खबरें सौरभ इस तरह की भी हैं कि कई शहरों में जबरन दुकानें जो है बंद कराई गई हैं इन लोगों के द्वारा, तो क्या प्रयागराज में कुछ ऐसी स्थिति निर्मित हुई थी? देखिए कल ही रात को जो है आलाधिकारियों ने इस पर जो मीटिंग किया था, और मीटिंग करने के बाद ये साफ साफ जिले के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि अपने अपने क्षेत्रों में जो जहाँ जहाँ पर ये जो संगठन जो है अपना प्रदर्शन कर रहा है वहाँ पर चुस्त और मुस्तैद रहे, क्योंकि अगर हम बात करें सीआरपीएफ की बात करें, हम पुलिस प्रशासन की बात करें, तो वो पूरी तरीके से जगह जगह पर अलर्ट है, और कोई भी दुकान जो है यहाँ पर जबरदस्ती बंद कराने के निर्देश नहीं दिए गए हैं, क्योंकि कोई भी दुकान जबरदस्ती बंद नहीं कर सकता है, पुलिस चप्पे चप्पे पर अपनी जो फोर्स के साथ खड़ी हुई है, और कोई भी ऐसा अगर संगठन का कार्यकर्ता अगर ऐसा करते हुए नजर आएगा तो उस पर तुरंत कार्रवाई करने के भी आदेश दिए गए हैं। बिल्कुल, जाहिर तौर पर। लेकिन सौरभ, इस बीच अगर ये समझा जाए कि पुलिस ने मोर्चा संभाला हुआ है और स्वतः ही लोग अपनी दुकानें बंद नहीं कर रहे हैं, तो फिर क्यों इस तरह की स्थिति भी बनती नजर आ रही है, और जाहिर तौर पर बाजारों पर इसका असर पड़ा है क्या, क्योंकि त्यौहार का समय है, अभी रक्षाबंधन बीता, अब जन्माष्टमी भी आने वाली है, इस बीच क्या असर पड़ रहा है इस आंदोलन को लेकर? देखिए इस आंदोलन का खासा असर तो प्रयागराज में देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि अगर हम बात करें सिविल लाइन जो प्रयागराज का सबसे पॉश इलाका है, चौक सबसे पॉश इलाका है, तो वहाँ की सारी दुकानें जो है वो पूरी तरीके से नियमित तरीके से खुली है, जैसे कि रोज सोमवार से शनिवार से जैसे दुकानें खुलती है उसी तरह से यहाँ पर रोज दुकानें खुली है, और भारत बंद आह्वान का कुछ भी असर आपको प्रयागराज में देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि 21 संगठन के कार्यकर्ता है वो अभी एडीएम के ऑफिस पहुंचे थे, वहां पर उन्होंने अपना ज्ञापन सौंपा था, और हमने हिंदी खबर के माध्यम से कुछ लोगों से बात भी किया था, तो उनका भी ये साफ साफ कहना था कि हमारा आरक्षण खतरे में, अगर सरकार उनकी बात नहीं सुनेगी तो हम इससे भी ज्यादा जो है वो आंदोलन करेंगे, आने वाले समय में हम रास्ता जाम कर सकते हैं, सड़कों पर उतर सकते हैं, और कई जगहों पर जो है प्रदर्शन भी अपने कर सकते हैं। तो इन सब चीजों को लेकर अगर प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज में एकदम शांत माहौल है, और जिस तरह से व्यापार चल रहा है इसी तरह से लोग अपना व्यापार भी कर रहे हैं। सुनील, क्या निर्देश दिया गया है पुलिस के बड़े अधिकारियों के द्वारा तमाम पुलिस कर्मियों को, और क्या पुलिस के साथ साथ उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ साथ सीआरपीएफ के जवान भी तैनात किए गए हैं क्या प्रयागराज में? चल रहा है वहाँ वहाँ पर सीआरपीएफ के साथ साथ प्रयागराज पुलिस की भी टीम वहाँ पर है, और उनको शांतिपूर्ण ढंग तरीके से अपना जो है प्रदर्शन करने कहा गया है, और उनसे भी साफ साफ कहा गया है कि आप किसी भी दुकानों पर जाकर तोड़फोड़ नहीं करेंगे, किसी भी दुकानों को आप जबरदस्ती नहीं बंद कराएंगे, जिस तरह से आपका धरना प्रदर्शन चल रहा है उसी तरह से आप अपना प्रदर्शन करते रहिए, ताकि किसी को भी कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। सुनील, बिल्कुल नसीब, क्या स्थिति है, क्या निर्देशित किया गया है? हालांकि वहां आप बता रहे हैं कि प्रयागराज में तो ऐसा देखने को नहीं मिला है, लेकिन क्या आपके यहां पर भी हरदोई में कुछ ऐसी स्थिति निर्मित हुई कि जबरन दुकानें बंद कराई गई हो? हरदोई में कहीं भी दुकानें बंद कराने का कोई
जगह जगह पुलिस मुख्यालय फेस्टिवल मौजूद है और वही लगातार जो है थाने हैं, थानों में जो लोग जो नारेबाजी लगातार को एक संदेश दे रहे हैं कि जहाँ कोई खिलवाड़ ना हो, इसलिए हम लोग यहाँ पे उतरे और शांतिपूर्वक ज्ञापन देकर के और जो है हम लोग घर चले जाएंगे। वहीं से देखा जाए कि जो हर धर्म के जो नेता है, जो लोग वो जिले के तमाम लोग आकर के मौजूद हुए। वहीं पर जिला अधिकारी को लेकर करके ज्ञापन भी सौंपा है, ज्ञापन देकर के चलिए। बहुत शुक्रिया रसीब, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। सौरभ आपका भी बहुत शुक्रिया, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।